हेलो फ्रेंड्स, तो आप हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? 24 पर। बीके मेहता बुक का चैप्टर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं और समझते हैं। बोल रहा है, ए होलो मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच डैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक एक होलो मेटल स्पेयर है, ठीक है, बीच में से खाली है, ठीक है। मतलब होलो का मतलब क्या होता है? बीच में से खाली कोई स्पेयर है। स्पेयर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और वो क्या है, चार्ज्ड है। सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस, ये जो होलो मेटल स्पेयर है उसके सरफेस पर चार्ज दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ, सॉरी 10 वोल्ट का क्या दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर, तो पूछ रहा है कि उसी स्पेयर पे, सेम स्पेयर के सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई एक होलो स्पेयर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गया होलो स्पेयर, जिसके सरफेस पे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी का मान आपको 10 वोल्ट्स, ठीक है, 10 वोल्ट दिया हुआ है सरफेस पे। और हम जानते हैं, और ये पूरा जो होलो स्फीयर है वो कैसा है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड होलो स्फीयर है, मतलब पूरा टोटली चार्ज है। तो चार्ज है तो हम जानते हैं कि इन इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, 0 वोल्ट होता है, पाया जाता है। लेकिन पोटेंशियल अगर पूछ रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल याद रखेगा कि कोई भी चार्ज बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है हमारा, पोटेंशियल अगर सरफेस पे जितना है तो किसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, सब पे 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो हमारा सेंटर पे भी क्या होगा, सेंटर वो मान लेते हैं, इस पे भी हमारा क्या होगा, तो पोटेंशियल हमारा अंदर क्या होता है, सेम होता है, जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही अंदर भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, 0 है, तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम पाया जाएगा। तो सेंटर पर भी हमारा क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। तो कंडीशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि हिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होलो स्पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होलो स्पेयर बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्पेयर। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होलो स्पेयर बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एट द सरफेस ऑफ स्पेयर, जितना होगा उतना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में 10 वोल्ट ही हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। सेंटर पर भी हमारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 10 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 25 पर आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है, इफ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन। क्या पूछ रहा है, बोला क्वेश्चन क्या बोला कि एक यूनिट चार्ज ले लेते हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, लेकिन कैसे सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देन तो क्या होगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है, इस तरह से कुछ बोल रहा है कि एक मान लेते हैं क्या है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या हमारा, ये है आपका इक्विपोटेंशियल
टेन सी एल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर हर पॉइंट पे क्या हमका पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, दो बीच दो हर पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। और दो पॉइंट के बीच में अगर मान लेते हैं एक पॉइंट वन है और एक पॉइंट ये टू ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट वन पॉइंट टू लेते हैं, तो इक्विपोटेंशियल में ये कहता है कि हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल सेम होता है, और दो पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो वो कितना होता है, जीरो होता है। कौन किस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर ये जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। पीडी समझ जाना, पीडी मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस में, 0 वोल्ट हो जाता है। और ई मेरा क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहा है, ये भी क्या होता है आपका 0 वोल्ट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा 0 0 वोल्ट है हमारा किसके अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। तो एक एक चीज हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है। तो एफ बराबर क्यू, चार्ज हमारा क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, 0। तो फोर्स क्या हो जाता है इक्विपोटेंशियल के में, चार्ज का 0 हो जाता है, ठीक है, दो चार्ज के बीच में, तो 0 न्यूटन्स, ठीक है, इतना आया फोर्स का। और हमसे पूछ रहा है कि इक्विपोटेंशियल में अगर एक चार्ज को मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारा क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और उसमें एक चार्ज को दूसरे चार्ज दो दूसरे स्पेस पे ले जाने में कितना हमारा वर्क डन होगा, ये पूछ रहा है कितना हमारा वर्क डन होगा, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा फोर्स अगर 0 हो गया, यहाँ से देखिए हमारा अगर फोर्स दो चार्ज के बीच में क्या हो जाता है, जब 0 हो गया, तो हम जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हुए हैं 10 क्लास में भी कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, डिस्टेंस यहाँ पर है, तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 जूल से निकला, ठीक है। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह आप करते भी हो तो वर्क कितना निकलता है, मैंने यहाँ दिखाया कि वर्क कितना निकला, काम होना 0 0 जूल से निकला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा कि नो वर्क इज डन, वर्क डन नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है, इतना जूल्स होता है, 0 जूल्स। आपको मैं सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज क्या होता है, डायरेक्टली नॉर्मल टू द सरफेस होता है। याद रखेंगे कि डायरेक्टली क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये तो याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं कि डायरेक्टली क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।